तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी थी, सिलेक्ट कमिटी, उसके अंदर भी कहा गया, द मिनिस्ट्री क्लेरिफाइड टू द कमिटी दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट डज नॉट इंटरफेयर विद द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द एसईबीसीज, द एग्जिस्टिंग पावर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन विल कंटिन्यू टू बी देयर इवन ऑफ द पासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरस्वती महोदय, हमने सिलेक्ट कमिटी में, लोकसभा में, राज्यसभा में रिव्यू पिटिशन के दौरान हर जगह सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की कि हमारा इंटेंट राज्यों को वंचित करना नहीं है। और सरस्वती महोदय, कोई सरकार राज्यों के अधिकार से वंचित कर सकती है क्या? और मैं सदन को बताना चाहूंगा, इंदिरा सावनी का मामला 92 के अंदर आया और तमिलनाडु के अंदर 1920 में जो बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन था दैट स्टार्टेड इन देयर 1920 एंड इवन प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले से देश के आधे दर्जन राज्यों के अंदर पिछड़े वर्गों को सूची बनाने का अधिकार था और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का अधिकार था। महोदय, मैं जिस बिहार से आता हूं, वो मुंगेरीलाल कमीशन बना, कर्पूरी जी ने 78 में लागू किया और 78 से आज भी पिछड़ों का आरक्षण लागू है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, या मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो। तो सरस्वती महोदय, जो राज्यों को सूची बनाने का और आरक्षण देने का अधिकार था, यह इंदिरा सावनी के मामले में मंडल कमीशन के पहले से अधिकार राज्यों को था। सरकार की मंशा भी बड़ी साफ थी कि राज्यों को ये अधिकार हम छीनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक निर्णय दिया और इसलिए उस निर्णय को संशोधित करने के लिए ये संविधान संशोधन का बिल हम लोग लाए हैं।